AKTU के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम प्रैक्टिकल, उसके अलावा बैक पेपर और स्पेशल छात्रों को क्या एक और मौका मिलेगा? जी हाँ, जिन छात्रों के बैक लगी है या फिर जिनकी कहें ईयर बैक लगी है, तो फिर क्या उन छात्रों को एक मौका और मिलेगा? जी हाँ, कुछ छात्रों को मिलेगा, तो कौन से छात्रों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इस और री एडमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम डेट को लेकर और कई सारे छात्र को जो सर प्रैक्टिकल की जो डेट है या फिर एग्जाम की डेट है, फाइनल है या फिर टेंटेटिव है, उसको लेकर भी बात करें, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल को लेकर, फिर हम बात करते हैं जो बैक पेपर और स्पेशल वाले छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं। उसके पहले मैं यहाँ बता दूँ आपको, PDC को लेकर मैंने यहाँ पे ट्वीट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे, दोनों ट्विटर पे, एक तो ये वाला ट्विटर है जो दूसरा यूनिटी के ट्यू वाला, दोनों पे आपको जाकर टैग करना है। मैंने क्या टैग ट्वीट किया है कि सर एकेटिव, मैंने आलोक कुमार राय सर जो कि एकेटिव के VC हैं, अभी एडिशनल VC, उनको मैं टैग किया कि रिजल्ट आने के बावजूद PDC डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप लोग इसको जाके जितनी जल्दी हो सके इसको रिट्वीट करो। रिट्वीट करने के साथ साथ आपको अगर चाहें तो अपनी कमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी इशू है, बट ये रिट्वीट वाला ऑप्शन ज़रूर करना है। लाइक करें ना करें आपकी मर्जी, बट रिट्वीट ज़रूर कर। जितना देखा हमने इसके पहले ट्वीट और रिट्वीट किया था तो न्यूज़पेपर में 2 दिन आ चुका, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके ट्वीट और रिट्वीट करिए। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल कैरियर और जो छात्रों को चांस मिलेगा, लेकिन उसके पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को जो नोटिस आई। नोटिस आने के बाद कई सारे छात्र कन्फ्यूजिंग में है, मैं आपको बता दूँ, अभी आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, बट मैं नोटिस में एक बार बता देता हूँ कि इसमें जो जो नोटिस आई है इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लिए, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर सर हमारा एग्जाम कब होगा, और हाँ यह ऑड सेमेस्टर की बात हो रही, इवन का एग्जाम अभी नहीं होगा। हाँ, अगर आपका बीफार्मा है तो आपका इवन का एग्जाम शेड्यूल अगर आप देख लीजिए, तो बी फार्मा वाले छात्रों का अगर आपका सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में बैक है तो आप देख सकते हैं, फार्मा वाले शेड्यूल में अगर मेंशन है तो आपका होगा, शेड्यूल मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसी के हिसाब से होगा शेड्यूल में, ठीक है। लेकिन अगर बीटेक है आपका फर्स्ट ईयर वाली सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, तो बीटेक वालों का अभी नहीं होगा, ये तो आठ सेमेस्टर का हो रहा है, तो लेकिन MBA और BTech के आठ सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का हो रहा है, और बी फार्मा के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने सारे सेमेस्टर हैं, क्योंकि आठ इवन फार्मा वाले दोनों दे सकते हैं, तो इसलिए आप लोग शेड्यूल देख लीजिए। अगर शेड्यूल नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं उसको लेकर अलग से ट्वीट कर दूंगा। हालांकि शेड्यूल आ चुका है, आप लोग जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम मैंने डाल रखा है, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। बट बहरहाल मैं आपको बताया, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो एग्जाम शेड्यूल आया है ये टेंटेटिव, अब इसमें बदलाव होगा, और प्रैक्टिकल की डेट जो आप कई सारे छात्र कह रहे हैं सर क्या फिक्स है या फिर बदला जाएगा, तो प्रैक्टिकल की डेट ये फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट जो आपका होगा 13 से लेकर 16 के बीच में होगा। अब 13 से 16 के बीच में तो फिक्स है, होना ही होना है, इसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कोई बीच में नोटिस आ जाए तो बाकी, अब कोई नोटिस आने वाला नहीं है बहरा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट अगर आपके कॉलेज में मान लीजिए कॉलेज वाले 13 के बजाय 14 को कराना चाहे 14 कर सकते हैं, 15 को कराना चाहे 15 कर सकते हैं, लेकिन इसी डेट के बीच में कराना है 13 से 16, यानी चार दिन बन रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 4 दिन के अंदर अंदर इनको कराना ही कराना होगा। हाँ, अगर कोई बदलाव होगा तो उसको लेकर हम इन्फॉर्म करेंगे। बहरहाल ये प्रैक्टिकल को लेकर कंफर्म है, लेकिन एग्जाम अभी टेंटेटिव है, एग्जाम यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव, एग्जाम के दिनों में बदलाव होगा, बदलाव मतलब 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है आपका, अगर टाइमिंग मान लीजिए सेम है या टाइमिंग आपका डिस्टेंस दूर है। मैंने पहले कहा था ये जो मेरा आई डी DCOE-A@ACTU.ac अंतर मेल करके बता सकते हैं 28 फरवरी तक, उसके बाद आप मेल करेंगे तो मान्य नहीं होगा, तो 28 फरवरी तक पहले पहले इस मेल आई डी पर जाइए, मेल करिए, जो भी प्रॉब्लम वहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं छात्रों के जो चांस दिया जाएगा स्पेशल चांस उसके बारे में। ये सर्कुलर आया था काफ़ी पहले का, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, कई सारे छात्र पूछ रहे थे बहुत दिनों से, तो मैंने सोचा कि बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या मेंशन है कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराने के विश्वविद्यालय से 2021-22 के जो अंतिम वर्ष और तथा पास आउट बैच के विषय में समस्या की जो अतिरिक्त कैरियर। जी हाँ, अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर किसी ईयर में आप किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा, मान लीजिए आपका 7th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर या फिर 8th सेमेस्टर में बैक लगा, तो फिर आपको एक मौका मिलेगा। जी हाँ, इसी मार्च में मौका मिलेगा, क्योंकि इनको देना ही देना पड़ेगा, इन्होंने वादा कर रखा है, क्योंकि मैं आपको नोटिस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। केवल ये उन्हीं छात्रों को मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा, जिनका पास आउट हो चुके उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने स्पेशल कैरियर दिया था उसमें बैक लग गई है उन्हीं को मिलेगा। हाँ, अगर आपने मान लीजिए स्पेशल कैरियर नहीं दिया था और आपके पास आउट है तो भी आपको चांस दिया जा सकता है, क्योंकि तब भी आप अलाउ हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ मेंशन है, क्या मेंशन है कि यहाँ पे कि दो तत्क्रम में अवगत कराना है कि अतिरिक्त यानी कि विशेष कैरियर परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले ऐसे छात्र छात्रा जो कि संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल है, को सक्षम स्तर से निर्देशों और अनुमोदन प्रांत छात्र हित के दृष्टिगत पठन पाठन पूर्ण करने एवं परीक्षा की तैयारी करने का समय देते हुए। जी हाँ, आपको समय दिया जाएगा, और प्राविधानों के तहत 22-23 के जो कैरियर परीक्षाएं हो रही हैं के अवसर दिया जाएगा, और ऐसे छात्र छात्राओं को ऑर्डिनेंस में निहित व्यवस्था, जी हाँ, यानी कि ऑर्डिनेंस में बदलाव करके आपको विषम सेमेस्टर के विषम सेमेस्टर यानी जो अभी
अभी हो रहा विषम सेमेस्टर के विषयों की कैरियर परीक्षा है। वर्तमान में संचालित विषम सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2022 से इसके आगामी द्वितीय चरण यानी जो माह में द्वितीय चरण होगा जो अभी होने वाला है और जो हो चुका है के साथ साथ तथा सेमेस्टर तथा सम सेमेस्टर यानी जो मार्च के बाद जो वही दिसंबर जनवरी में फिर होता है तथा सम सेमेस्टर के विषयों की करीब कैरियर परीक्षा जो कि सम सेमेस्टर 2022 से इसकी परीक्षा में संबंध करवाई जाए। कहने का मतलब ये है आपका जो है आठ सेमेस्टर का जो एग्जाम्स जो होता है वो अभी करवाया जाएगा और जो सम सेमेस्टर में आपकी बैक हो सम सेमेस्टर के साथ करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने विशेष सूचना करके यहाँ पे स्पेशल अगर कहें तो स्पेशल गलत ना होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है क्या साफ साफ लिखा है कि विशेष सूचना क्या विशेष सूचना कि वर्तमान में संचालित विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा है 22-23 में प्रतिभा करने वाले छात्रों एवं अर्ध छात्र जो जो एलिजिबल है उनको अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा फॉर्म भर जाने की तिथि उसको बढ़ाकर उन्होंने पहले 3 से 6 जनवरी किया था और आगे उन्होंने क्या कहा था कि यद्यपि अतिरिक्त कैरियर परीक्षा यानी कि स्पेशल कैरियर परीक्षाओं में अगर अनुत्तीर्ण हो चुके हैं फेल हो चुके हैं छात्राएं में भी उक्त निर्धारित तिथि यानी 6 जनवरी से अगर चाहे तो परीक्षा फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन परंतु यहाँ पर परंतु लगा क्या कहा फिर उन्होंने परंतु उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त कैरियर परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए छात्राओं को किसी विषय विशेष में जी हाँ किसी विषय विशेष में विषम सेमेस्टर परीक्षा है तो केवल एक ही अवसर दिया जाएगा। जी हाँ आपको एक ही अवसर मिलेगा अगर आपने प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट फेज में अगर आपने उसका लाभ नहीं लिया है तो फिर आप उसका द्वितीय चरण यानी कि सेकंड फेज में जो कि मार्च में अभी होने वाली इसमें आप परीक्षा दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा साफ साफ कि प्रथम चरण माह जनवरी 2023 में आयोजित हो रही परीक्षा या फिर द्वितीय चरण माह मार्च में होने वाली जो परीक्षा है उसमें प्रदान किया जाएगा और अतः आपसे अनुरोध की तदनुसार अवगत होते हुए संस्थान में अध्ययन छात्राओं को अपने स्तर से परीक्षा फॉर्म भरने की। अब देखो कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेंटर सीरीज़ को लेकर एक लॉन्च की गई है जिसके थ्रू आप जो है इसमें आपके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन कहें यानी शॉर्ट में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आप हार्ड का भी सॉफ्ट का भी दोनों ले सकते हैं। जी हाँ इनके हार्ड का भी आप बाई कर सकते हैं वो भी फ्लिपकार्ट वगैरह से। हालांकि अगर आप जो है उसमें अगर आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बाई करते हैं तो आपको वहाँ पे हर पेज पे क्यूआर कोड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप क्यूआर कोड के थ्रू आप वहाँ पे स्कैन करेंगे फिर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो भी मेंटर सीरीज़ का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है तो मेंटर सीरीज़ का एप्लीकेशन और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है और ख़ास करके इनका जो काम्बो पैक में आपको कई सारे छूट मिल जाएगी तो यहाँ से देखिए सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से आपको काम्बो पैक का भी जो है लिंक मिल जाएगा और इनका जो है एप्लीकेशन वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं और आपका ऑर्डर आपके घर पर मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप स्पेशल कैरियर का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं और आपकी फिर से बैक लग गई है तो आपको एक चांस मिलेगा आपका भले आपका थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है। अगर इस नोटिस में दो न्यूज़ है दो इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके ऊपर वाले पैराग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो जो आपका इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी मान लीजिए 6 और 8 सेमेस्टर में बैक है उसकी इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए पैरा के अकॉर्डिंग तो फिर आपको नहीं दिया जाएगा लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर आपको देने दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है इस नोटिस में तकरार हो रहा है। इस नोटिस में क्या हो रहा है तकरार हो रहा है इनकी दोनों बातें मिलती जुलती नहीं है एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। इस वाले पहलू को अगर देखेंगे ऊपर वाले पहलू को तो इससे साफ साफ लगता है कि भाई फर्स्ट ईयर के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप अभी जो मार्च में हो रहा है या फिर जनवरी में हो रहा हो उसमें दे सकते हैं और उसके साथ साथ नीचे वाले पैराग्राफ से ये लग रहा है कि आपका सेकंड फोर्थ सिक्स और एट सेमेस्टर अगर आपकी स्पेशल कैरियर या पास आउट बच्चों की जो बैक लगी है वो आप कब दे सकते हैं दिसंबर या जनवरी में दे सकते हैं। बहरहाल इसमें दोनों बातें मेंशन है अब क्लियरिफाई एग्जीक्यूटिव करना हो क्योंकि यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिखा था पहले लिखा था यहाँ पे कि जो द्वितीय चरण में यानी कि जो विषम सेमेस्टर की परीक्षा होगी आगामी द्वितीय चरण जो मार्च में होगी उसमें आयोजित है के साथ साथ तथा सम सेमेस्टर के विषयों की परीक्षा जी हाँ सम सेमेस्टर के विषयों की परीक्षा जो कैरियर सम सेमेस्टर 2022-23 की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा यानी कि जो सम सेमेस्टर की होगी वो सम सेमेस्टर के साथ। लेकिन एक चीज़ इन्होंने एक चीज़ मेंशन करना या भूल गए केवल यहाँ पे इन्होंने कैरियर लिखा है। कैरियर का मतलब होता है जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की बैग लगती है लेकिन पास आउट की जब बैग लगती है तो उसको स्पेशल कैरियर बोलते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो आपको अतिरिक्त कैरियर परीक्षा के अगर रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल आपको अभी यही मार्च में चांस मिलेगा। जी हाँ 100% श्योर है कि आपको चांस मिलेगा ही मिलेगा तो इसलिए कन्फ्यूजिंग नहीं होना है। हालांकि
थोड़ा इन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया है, बच्चों को बझा के रखा है। अगर ये डायरेक्ट क्लियर कर देते कि स्पेशल बैक वाले बच्चों को मार्च के महीने में चांस मिलेगा, तो इसमें क्या आ जाता। बहरहाल इन्होंने दोनों बातें कही हैं, लेकिन ऊपर कैरी वर लिखा है, नीचे स्पेशल कैरी वर, तो उससे साफ ये जाहिर होता है कि जो कैरी वर के बच्चे हैं, जैसे किसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो पास आउट नहीं हो चुका है, उसकी अगर बैक लगी है तो उसको विषम का विषम में, यानी ऑड का ऑड का, इवन में इवन का इवन में देने देना देने का चांस मिलेगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाला अगर चाहे जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम, तो उसमें नहीं दे सकता है। लेकिन वहीं पर अगर अतिरिक्त कैरियर परीक्षा अगर आपका जो है सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट में बैक लगा है, तो आपको बिल्कुल मार्च में भी दे सकते हैं स्पेशल, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे लिखा है विशेष सूचना, और विशेष क्या लिखा है, विषय विशेष, यानी आपको विशेष चांस दिया गया है, तो इसलिए आपको अलाउ किया जाएगा। उसके लिए अलग से फॉर्म आएगा, मेरे हिसाब से फॉर्म क्या ही हो सकता है ओपन किया जाए, लेकिन अलग से शेड्यूल आएगा। बहरहाल उसको लेकर अगर दो चार पाँच दिन में, हफ्ता दस दिन में नहीं आता, तो हम लोग ट्वीट करेंगे, क्योंकि मैंने PTC को लेकर ट्वीट किया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं PTC वाला ट्वीट, उसको ट्वीट कर सकते हैं, बात छात्रों के डाउट है और कमेंट है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अभी लाइव आऊँगा अपने दूसरा चैनल ब्राड ब्रेन 76 वाले चैनल पर, आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, अभी लाइव आऊँगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ब्राइट ब्रेन 786, ठीक है, 786 वाला चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल दिया, देख लेना, या ब्राइट ब्रेन 786 सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा, जो भी डाउट आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट क्या थे बच्चों के, कमेंट की बात कर लेते हैं, जो आपके प्रॉब्लम थे, जो आपके डाउट थे, यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एक कमेंट ये था, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, क्या कह रहे हैं, दिव्यांश त्रिपाठी, जिनका SCOP का रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है, भाई वो वेट करें, बाकी ट्वीट करें। मोहम्मद आरिस कह रहे हैं SCOP फॉर्म नहीं आया, भाई SCOP का चैलेंजिंग फॉर्म कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट आएगी तो बताएंगे। उसके अलावा हम लोग ट्वीट करेंगे, अभी मैंने PTC को लेकर ट्वीट किया, तो चैलेंज फॉर्म को लेकर भी रिट्वीट किया जाएगा, अभी आप वेट करिए। ठीक है, शुभम तिवारी सर, मेरा MCA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, आप भाई शेड्यूल देख लो, मैंने शेड्यूल टेलीग्राम में डाल रखा है। ठीक है, क्रिकेट हाईलाइट क्या कह रहे हैं, मेरा रिजल्ट डेट 8 फरवरी दिखा रहा वन व्यू पे, बट अपडेट हो जाएगा भाई, परेशान ना हो। ठीक है, मैंने ट्वीट किया PTC को लेकर, तो कल परसों में वन व्यू को लेकर भी ट्वीट कर देंगे, आप लोग परेशान ना हुए, क्योंकि देखो हमने जो ट्वीट किया था न्यूज़ में आया है, अमर उजाला वगैरह में आया है, तो इसलिए रिट्वीट करो, रिट्वीट करोगे हाईलाइट होगा तो न्यूज़पेपर में आएगा, मैंने आज तक और अमर उजाला को भी टैग करके रखा है। क्रिकेट वर्क कह रहे हैं भाई अपडेट हो जाएगा, यस तोमर कह रहे हैं सर नेगेटिव नोटिस में क्या कहा था, तो वही तो मैंने बताया भाई। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टूडेंट और कह रहे हैं सर क्या प्रैक्टिकल डेट फिक्स है, बिल्कुल प्रैक्टिकल डेट फिक्स है, 13 से 16 के बीच में होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर कोई चेंज को नोटिस आएगा तो बताएंगे, बहरहाल उसके हिसाब से फिक्स है जो नोटिस है। आकाश कह रहे स्पेशल कैरियर का वालों का एग्जाम कब होगा, 7 सेमेस्टर, उसको लेकर फॉर्म शेड्यूल आएगा बताएंगे, अभी कोई शेड्यूल नहीं है। सौरभ पांडे कह रहे सर चैलेंज का फॉर्म जो पास नहीं हुए हैं उनका ईयरबैक लग गया है, भाई जो ईयरबैक लग गया है आपने जो फी दिया है आपको, तो एक से और री के हिसाब री एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि AGTU ने कहा था कि अगर आप चैलेंज के रिजल्ट में पास होंगे आपका ईयरबैक नहीं लगेगा, तभी आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि फिफ्थ का है, या फिर आपका फिफ्थ का है, या फिर थर्ड का, या सेवन्थ का है, तभी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन अगर बैक लग जाती है, ईयरबैक लग जाती है, तो फिर रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। जहाँ तक फीस का मैटर है, तो फीस को लेकर भाई अभी कोई अपडेट नहीं आया है, उसको लेकर ट्वीट करेंगे। बाकी मैंने BC सर से बात हुई, तो BC सर को निकाल दिया गया है, अब उसको लेकर हम जो न्यू BC हैं इनसे अभी कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत होगी या फिर नहीं, अगर फीस रिटर्न करेंगे या कम से कम एक से की फीस न लें, ये नेगेटिव कर सकता है कि हो सकता है आपको फीस को छूट दे दे कि आपका एक से एडमिशन का फीस नहीं लगेगा उन छात्रों का जिन्होंने चैलेंज का जो है रिजल्ट आने से ना आने के बावजूद उन्होंने फीस पे की थी, तो कुछ ना कुछ करेंगे उसको लेकर, वेट कर परेशान ना होइए। इसके हर्निंग कह रहे हैं एग्जाम फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा, भाई शो नहीं कर रहा तो मेरे जो मेल आई डी वहाँ पर मैंने बताई DCOE-A@AGTU.ac.in पर मेल करिए, बताइए अपनी पूरी प्रॉब्लम। ठीक है, बद्रालम कह रहे हैं सर फिफ्थ सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म कब डेट कब आएगा, भाई उसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ इतना जरूर कहूँगा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई ना कोई शेड्यूल, कोई ना कोई नोटिस आएगी, अगर नहीं आएगी तो ट्वीट करेंगे। और उसके अलावा रुद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं सर फोर्थ सेमेस्टर कैरियर का कब होंगे, भाई फोर्थ सेमेस्टर कैरियर देख लीजिए शेड्यूल, उसमें मेंशन होगा, अगर आपका बी फार्मा है तो दे सकते हैं, BTEC है, MBA है तो नहीं दे सकते हैं, अगर पास आउट हैं तो अलाउ किया जाएगा आपको, अलाउ है। उसके अलावा वर्ड फैमिली कह रहे हैं सर इस स्टूडेंट का फॉर्म एक से और री को लेकर, या देखो कोई अलग से फॉर्म का अभी तक नोटिस नहीं आया, हालांकि पहले नोटिस आता था, तो एक से और री वाले अभी थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए, भी आप लोग फॉर्म मत भरना, क्योंकि 28 लास्ट डेट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अगर आपको एक से और री में एडमिशन लेना है, बाकी एक से और री को लेकर कोई अलग से नोटिस नहीं है, अगर कोई नोटिस आएगी तो बताएंगे, अभी वेट करिए। उसके अलावा मैं लाइव आऊँगा, मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग जाके ब्राइट ब्रेन 76 वाले जो चैनल है उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर आके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, डेवलप।